नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। बिहार के चुनाव में हम देख रहे हैं अलग अलग रंग, अलग अलग नेता और उनके अलग अलग ढंग। कोई ऑडी में घूम रहा है तो कोई हेलीकॉप्टर में उतर रहा है, कोई बड़का पापा का बेटा है तो किसी का बड़का चाचा है। लेकिन कई कलाकार हैं जिनकी अपनी अदा है, अपना स्टाइल है और वो उस स्टाइल में हर कलाकार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन नजरिया सबका एक ही है कि बिहार में ऐसा सरकार हो जिसमें सबका सत्कार हो। और इन्हीं बातों पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं विजेता चंदेल। विजेता चंदेल जो है वो अभिनेता हैं, बिग एफएम पटना में आरजे हैं और अक्सर लोगों को बउआ भी बनाते हैं और घुमाते भी हैं, नचाते भी हैं। विजेता, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और विजेता, आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं? जी, मेरा मूल परिचय है कि मैं 95 बिग एफएम पटना में आरजे हूं और बिग एफएम पूरे इंडिया में है, हर जगह पे है और हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि बिहार चुनाव से तो अछूता कोई भी नहीं है, तो हम लोग भी नहीं है, कलाकार भी नहीं है। और थैंक यू आपके इंट्रोडक्शन के लिए। विजेता कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बिहार का बहुत जाना माना नाम है और हम लोग अभी बातचीत शुरू कर रहे हैं और बातचीत में सबसे पहला जो है उसी के अंदाज में हम शुरू करते हैं कि इस बार बिहार में नया क्या है। देखिए, बिहार जो है ना वो राजनीतिक गढ़ रहा है हमेशा से, और बिहार में नया ये है कि कोरोना के बाद अगर कहीं चुनाव हो रहा है तो वो है बिहार। और आप जानते ही हैं कि बिहार जो है वो एक्सपेरिमेंट की धरती है, चुनाव वाले खासकर जो राजनीतिक जो एक्सपेरिमेंट है वो बिहार में ही होते हैं। जयप्रकाश का प्रयोगशाला, चाहे वो जयप्रकाश नारायण की क्रांति हो या जो महात्मा गांधी भी चंपारण आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने यही शुरू की थी और उसके बाद वो बहुत एक्टिव हुए थे। तो बिहार जो है राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव है, आपको भी पता होगा, आप चूंकि जर्नलिज्म में है अनिल भाई, तो इस बार कोरोना के बाद पहला चुनाव बिहार में हो रहा है और बिहार चुनाव पर तो पूरी दुनिया की नजर रहती है। बिल्कुल, अब कोरोना के बाद चुनाव हो रहा है और पापा और चाचा और उनके एब्सेंस में भी चुनाव हो रहा है पहली बार। जी, वो भी एक नजरिया है। जी, तो क्या हालात बन रहे हैं, क्या दिख रहा है जमीन पर? अगर मैं कहूं कि आप तेजस्वी को आज के हालात पर एक सलाह दे डालिए तो कैसे देंगे, लालू यादव स्टाइल में? अच्छा, लालू यादव, देखिए अब तो लालू यादव स्टाइल में मैं यही दूंगा कि भाई देखो तेजस्वी, जो तुम कर रहे हो बहुत बढ़िया है और इसी तरह से करते रहो। हम बहुत लोगों का आवाज उठाए, गरीबों का आवाज उठाए और कहते हैं कि बाप का जिम्मेवारी जिस दिन बेटा संभालता है उसी दिन बेटा लायक कहलाता है। तो अनिल जी, आई हैव टू सन, राम लखन, वन इज राम है और अनदर इज लखन है, तेजस्वी तेज प्रताप है और बिहार की जनता जो है वो पूरा सपोर्ट कर रही है दोनों को और हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं दोनों को कि दोनों का हरदा उड़ाइए भाई और बढ़िया नाम कमाइए। लेकिन दूसरे जी जो है वो वास्तव में लखन है, वो बांसुरी ज्यादा बजाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं लालू जी। अरे देखिए, वो प्रेमी आदमी है, कृष्ण जी का प्रेमी है, माय गॉड कृष्णा, यादवों के भगवान रहे हैं और रघु जद्दू भाई भाई शुरू से कहते रहे हैं। तो वो प्रेमी आदमी है, प्रेम में बांसुरी बजाता है और प्रेम में ही दिन भर रहता है। आई टीच ओनली लव टू माई सन, नथिंग एल्स। चलिए, मैं पारिवारिक परिदृश्य की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रेम अगर रहता तो परिवार में जो हुआ है वो नहीं होता। ये सब छोड़िए, चुनाव के समय ये सब बात नहीं कीजिए अनिल जी, पत्रकारिता को थोड़ा दबाइए भाई। ये भी एक लालू जी का स्टाइल है कि पत्रकार को कैसे डाइवर्ट करना है, डाइल्यूट करना। आपने तो उनको कवर किया हुआ, मैंने भी कवर किया है। मुझे 1997 का वो दिन याद है जब उन्होंने पार्टी बनाई और मैं उनसे मिलने गया था, तो सो रहे थे और मैंने जब कार्ड भिजवाया तो थोड़ी देर में आए और बहुत अच्छे से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन्होंने पूरा बिहार को लेकर के जो अपनी बातें कही वो आज भी मेरे जहन में है और जब हम बात कर रहे हैं तो वो मेरे दिमाग में आ रही है। कितना बदला है बिहार, सुशासन बाबू
अगर कहेंगे कि बदल गया और हमको वोट दीजिए तो कैसे कहेंगे? देखिए सुशासन बाबू जो हैं वो बड़े स्टाइल में कहते हैं, चूंकि वो इंजीनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की है, तो वो बहुत, और एक राजनेता के रूप में पूरी दुनिया जानती है कि माननीय नीतीश कुमार जी की पकड़ है अपने चीजों पर, और उनको मतलब बहुत स्ट्रांग नेता कहा जाता है, तो वो सब बात इनडायरेक्टली कहते हैं। खासकर अगर विकास की बात करें तो वो इस तरह से कहेंगे कि देखिए बिहार में हमने बहुत कुछ किया है, अब पहले सड़क नहीं थी, लोग सात सात नौ नौ घंटे में पहुंचते थे। अनिल जी आप तो आए होंगे 1997, कितना देर लगा था आपको पटना से दरभंगा पहुंच? लगभग 12 घंटे 14। अब वो चीजें नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं विकास पुरुष हूं, लेकिन मीडिया कहती है, लोग कहते हैं, और मैं मान भी लेता हूं, चीजें बदल गई हैं, बिहार बदल गया है, अब लोग डेवलपमेंट को देखते हैं, और हमने बहुत सारी योजनाओं पर काम किया है, और लोग उसका परीक्षा फल हमको देंगे, हम तैयार हैं। आपने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया है इसी उसमें, सुशासन बाबू, आप खुद ही कह गए कि बिहार बदल गया है, अब कहीं बिहार बदल ना दे। अब देखिए ये सब हवा हवाई बातें हैं, हमने जमीन पर काम किया है, और हमारे सीनियर जो नेता हैं, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी हमारे साथ हैं, और पूरी जनता हमारे साथ है। हम जो है परीक्षा फल देने के लिए, परीक्षा फल लेने के लिए तैयार हैं, परीक्षा में हमने जमकर मेहनत की है, और हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम सिर्फ हवाई नेता नहीं है। आप विजेता जी के साथ ही बैठे हुए चिराग पासवान, मैं उनसे भी एक सवाल कर देता हूं कि भाई मोदी जी तो जो है वो चिराग पासवान के साथ भी पोस्टर शेयर कर रहे हैं। अच्छा तो चिराग जी कैसे कहेंगे कि भाई सुशासन बाबू के साथ मोदी ज्यादा है कि उनके साथ ज्यादा है? देखिए अनिल जी, देखिए ऐसा है कि देखिए हमने जब राजनीति में कदम रखा, और मेरे आदरणीय स्वर्गीय पापा को मैं बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मैंने राजनीति इसलिए शुरू की क्योंकि मुझे बिहार बदलना, और कोई मोटो नहीं था, मुझे कुछ और नहीं चाहिए बिहार की जनता से, और मेरे लिए प्रधानमंत्री मेरे राम है और मैं उनका हनुमान, और मैं चाहता हूं कि बिहार जो है वो बदले, जगमगाए, और जो वास्तविक मुद्दे हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, हमेशा से लोग कहते रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी सत्ता के पीछे भागती है, तो मैंने तो ये कड़ा डिसीजन लिया, मैंने तो एक स्ट्रांग डिसीजन लिया, और मैं तो चाहता तो सत्ता की मलाई खा सकता था साथ रह के किसी के साथ, लेकिन मैंने अकेले चलने का फैसला लिया क्योंकि मैं बिहारियों के लिए जीना चाहता हूं, मैं एक युवा हूं और हमारे पास 40 साल का 30 साल का वक्त है, और प्रधानमंत्री को मैं, हां मेरे वो भगवान है, और मैं अगर सीना चीर दूं तो अभी कुछ और ब्रांड दिख जाएगा, लेकिन मोदी जी भी दिखेंगे उसमें, और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। सीना चीरूंगा नहीं क्योंकि अल्ट्रासाउंड आ चुका है, तो अल्ट्रासाउंड करवा लूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वही है अंदर। हाँ आजकल एक गीत बहुत फेमस है, मेरे सीने में बैठे हैं श्री राम जानकी। जी जी बिल्कुल, और मेरे सीने में बैठे हैं नीतीश जी तो नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारे सीने में बैठे हुए हैं मोदी जी, आदरणीय बड़े वाले मोदी जी, ये मैं बिहार वाले मोदी जी की बात नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 12 जनपद जो है उसको बचा के रखना है, और वो पावर गलियारा जो है वो बचा के रखना है, केंद्र में मंत्री भी बनना है और बीजेपी के लिए रास्ता भी बनाना है। तो चिराग जी, सभी लोग ये राजनीतिक गणित समझ रहे हैं कि आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। ये चीजें मीडिया की है, और मीडिया के पास भाई लिखने के लिए कुछ होगा। चिराग पासवान एक अकेला नेता है बिहार, अनिल जी आप तो राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं बहुत सालों से, और मैं सम्मान करता हूं आपकी पत्रकारिता का, लेकिन मैं अकेला नेता हूं जिसने सिंगल रास्ता चुना है, बाकी सारे लोग किसी न किसी गठबंधन में है। सोचिए कि लेफ्ट पार्टी भी गठबंधन में है किसी के साथ, और वीआईपी हमको जब इतनी सीटें मिल रही हैं तो मुझे तो मिलती ही, लेकिन मैंने बिहारियों के लिए अकेले जाने का फैसला किया है, और मुझे कोई मुझे पसंद है तो उसमें आप मुझे रोक नहीं सकते हैं कि मुझे कोई क्यों पसंद है। भाई मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद है तो पसंद है तो है, और उन्होंने जो काम किया है देश के लिए मैं उनका सम्मान करता हूं, और मेरे पिता के बुरे वक्त में भी जब वो पिता हॉस्पिटलाइज थे तब भी मोदी जी हमारे साथ थे, और मैं उनको प्रणाम करता हूं। बिल्कुल चिराग जी, आपका तो बंधन दिख रहा है, दूसरों का तो गठबंधन दिख रहा है, आपका बंधन दिख रहा है और उसको बंधन है। मेरा बंधन जो है बिहारियों के लिए, बिहारियों के लिए है, मैं बिहार का विकास चाहता हूं। देखिए मैंने जो गलती की मैं जीवन में मानता हूं, मैंने पहली फिल्म करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं फिल्मों के लिए नहीं बना, देन आई केम बैक बिहार,
और मैं दलितों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए काम करना चाहता हूं, और मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है कि ऑलवेज स्पीक फॉर पुअर पीपल, ऑलवेज स्पीक फॉर वंचित पीपल, एंड मोदी जी ने बहुत काम किया है तो मैं भी लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। वेरी गुड विजेता, ये बिहार के जो अलग अलग रंग है इसमें जनता क्या कहती है? आप जनता के बीच भी जा रहे हैं, जनता जो है क्या होता है? हाँ, जनता जो है वो अभी सोच रही है, विचार रही है। एक देखिए, जो लालू युग रहा है उसके खिलाफ जरूर लोग रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी आए हैं तो एक नया फ्लेवर है। नीतीश कुमार जी 15 साल चूंकि लगातार सत्ता में है तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही, और बिहार में ऐसा है कि कोई अकेले पार्टी अपने दम पर सरकार बना लिए बहुत मुश्किल है, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो या आरजेडी हो। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऑब्वियस है सरकार थोड़ी एज में है, क्योंकि सरकार जब रहती है और मोदी जी का चूंकि सेंट्रल उनका एक सरकार है, और बिहार में नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी है, करिश्मा भी है, और नीतीश कुमार खासकर वो भी बहुत उनका व्यक्तित्व भी काफी बढ़िया है, और उन पर अगड़ा पिछड़ा और मल्लाह राजनीति का कॉम्बिनेशन और तड़का भी है। बिल्कुल, वो तड़का भी है जो आप बता रहे हैं, वो जातियों पर तो बात होती ही है हमारे यहाँ। जी जी जी, तो अगर इसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन पूरे बिहार के परिदृश्य पे अगर बात करता है, विजेता चंदेल, जिसकी जिसकी कॉमिक टाइमिंग के हिसाब से अगर बात की जाए, तो वो क्या कहते हैं विजेता चंदेल हिमसेल्फ? तो विजेता चंदेल इस पर यही टेक लेगा कि बिहारी जो है ना राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव हो जाते हैं। चुनाव बिहार में बहुत बड़ा पर्व त्योहार, सब बैठ कर रोड पर ककरो जितवा रहा है, फल्ला बाबू वो ऐसा ही जीत जाएंगे, 2000 वहां से मिलेगा, 4000 वोट वहां से, वो गौमा से लीड करेंगे, राजपूत देगा, निचला कास्ट दे देगा, उसके बाद भूमिहार दे देगा, पंडित दे देगा, वो दे देगा, ओबीसी दे देगा, उसके बाद हम लोग जीत जाएंगे। सब यही कैलकुलेशन में लगा हुआ। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हैं, सबका बात सुनने चलते हैं, अच्छा अनिल जी बताइए किसको वोट दें, और वो सब जान रहा है लेकिन पूछेगा आपसे कि अनिल जी आप जैसे ही बोलिएगा कि भाजपा, बोलेगा ना 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 ना, आप जैसे ही बोलिएगा आरजेडी, ना 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 ना, वो आपका भी विरोध करने लगे। तो बिहारी बहुत एक्टिव हो गए हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है, कोई पत्ता खोलना नहीं चाहता है यहाँ अनिल जी, लेकिन ये जरूर है कि लोग बहुत राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं, और अटल जी की पत्ता बेशक ना खोले, अटल जी के स्टाइल में है विजेता पत्ता, मैं आपकी बात कंटिन्यू करिएगा, पत्ता बेशक ना खोले लेकिन बोतल आजकल खूब खुल रही है। अब वो तो देखिए अनिल जी, पहले बिहार में दुए गो का राज था, दारू और मेहरारू, आई रिमूव दारू। नीतीश जी ने जब हमको कहा कि हम दारू बंद रखेंगे, हम बोले एलिमिनेट दारू, ओनली मेहरारू, मतलब लेडीज का सरकार रहना चाहिए, लेडीज को शक्ति मिलना चाहिए। तो दारू पीने वालों के लिए ही कहते हैं कि खोल देंगे मैखाना, हम आएंगे सरकार तो खोल लेंगे मैखाना, लेकिन कंट्रोल में पिलाएंगे, इसलिए हमको जिताइए, समझ गए ना, खोल देंगे धीरे धीरे, दारू भी सबको मिलना चाहिए, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, लोग दिल्ली जाता है पीने के लिए, अब बताइए दिल्ली जाएगा, होटल में ठहरेगा, बियर पिएगा, कितना सामान करना पड़ता है, ट्रेन का खर्चा, आने जाने का, दारू कितना महंगा हो जाता है, इसलिए हम खोलेंगे रिस्ट्रिक्शन के साथ रिस्ट्रिक्शन के साथ, यानी अभी भी जो है पूरा यंत्र तंत्र संयंत्र चल रहे हैं। मैंने देखा है बिहार से, बिहार के लिए हरियाणा से ट्रक जा रहे हैं, दूसरे राज्यों से शराब के ट्रक जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं वहां पर। विजेता, मैं आखिरी टेक आपसे लेता हूं, बिहार में पूरे एक चीज मैं आखिरी कहना चाहता हूं, मैंने एक कविता लिखी है, एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी अनिल जी वो ये है, एज ए कलाकार, कि बहुत सारे लोग, देखिए राजनीतिक जैसा आपने सवाल किया, आपने दोनों पक्ष को सवाल किया, और आप दोनों पक्ष में किसी पक्ष में भी हो सकते हैं, मुझे उसके लिए कोई एतराज नहीं है, किसी को कोई एतराज नहीं होगा जी, जी। लेकिन कुछ लोग जो है गाना बना रहे हैं बिहार में काबा है ना, तो वो मुझे लगता है कि वो बिहार को डिफेम कर रहे हैं ज्यादा, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि बिहार सिर्फ नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ नहीं है, बिहार किसी की एक एक सरकार से जुड़ी हुई नहीं है चीज। तो मैंने उस पर एक, आप अपना क्वेश्चन पूछ दीजिए, मैं जाते जाते एक सुनाना चाहता हूं जो मैंने लिखा है कि बिहार में काबा, अपने स्टाइल में मैंने लिखा है, और उसको मैं जरूर सुनाऊंगा, आपका पहले क्वेश्चन ले लेता हूं, और मैं मोबाइल में लिखा हुआ तो मैं एक सेकेंड बस आपसे चाहता हूं। जी जी, आप बोला जाए।
अब मेरे पास आ गया है वो। हाँ प्लीज सुन, आप नहीं, हम आपसे तो क्वेश्चन लगातार जारी है। बिहार में चुनाव है, बिहार में रंग है, बिहार में भंग है और अलग अलग ढंग है, तो इन अलग अलग ढंग में कुछ अच्छे नहीं है कुछ अच्छे हैं, आपका क्या नजरिया है? देखिए मैं इसको बहुत सारे एक्टर्स के उसमें अंदाज में जवाब दूंगा, चूंकि एक स्टैंड अप बहुत सीरियस बातों को नहीं करता है कॉमेडियन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर बोलूंगा कि सनी देओल, वैसे भी हमारे देश में सीरियस बातें जो है वो संसद में या सड़क के किनारे बैठे के होती हैं। तो हम अगर सनी देओल आ जाए और बिहार के एनालाइज करेंगे तो बोलेंगे कि बिहार जिंदाबाद था, बिहार जिंदाबाद है और बिहार जिंदाबाद रहेगा। सुन लो सरकार वालों, ये मजदूर का हाथ है, रॉड को पिघलाकर रॉड पिघला देता है, और हमें वही सरकार चाहिए जो हमारे लिए भी काम करे। सिर्फ 5 साल के बाद एक बार मुंह दिखाओगे और उसके बाद गायब हो जाओगे तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हो, हमारे लिए कुछ काम करे, वरना फिर से वही ढकोसले वादे लेकर आओगे और हमें लूट कर जाओगे, ये नहीं हो सकता। और अजीत साहब अगर रहते तो अजीत साहब बोलते कि मोना डार्लिंग जी, मैंने सारे विसाद फिट कर दिया, मैं तो उसी को वोट दूंगा जो लोगों का विकास कर, अदरवाइज मैं तो पुष्पम प्रिया चौधरी को वोट कर। पुष्पम नौजवान भी है और बहुत खूबसूरत, और पुष्पम ने नई नई बातें करनी सीखी, तो अगर आपके पास कोई दम नहीं है तो मैं तो पुष्पम प्रिया की ओर चला, बाकी आप अपना देख लो। और अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी के बेटे भी खड़े हैं, आवाज बजा सक देना कि छेनू आया था, और वो बहुत हॉट सीट बन गई है अनिल जी, बांकीपुर जो है वहां पुष्पम प्रिया चौधरी भी खड़ी है, नितिन नवीन खड़े हैं, नितिन नवीन भाजपा से लगातार जीतते आ रहे हैं, उनके पिता भी भाजपा में थे, और उस सीट से लव सिन्हा की भी एंट्री हो गई है कांग्रेस से, तो वो सीट बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। शत्रुघ्न सिन्हा जी के बेटे हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा जी बोलेंगे कि नितिन से कह देना था कि लव आया, और लव जब आया है तो ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि प्यार को मैं खामोश कर देना चाहता हूं, जो भी मुझे या मेरे बेटे को वोट नहीं देगा मुझे खामोश कर दूंगा। और एक कन्हैया लाल जी थे जो पुराने में मुनीम लाला का कैरेक्टर करते थे, जी 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 जी, अगर आप अरे राधा रानी आई हो, तो सारे वादे लोग ऐसे ही अभी दे रहे हैं, मतलब जो जो पॉलिटिशियंस हुए ऐसे, अरे राधा रानी मैं ही तो सब कुछ दे दूंगा राधा रानी, अरे राधा रानी कोरोना का फ्री वैक्सीन दे दूंगा राधा रानी, अरे राधा रानी वोट दे दू, अरे राधा रानी 10 लाख नौकरियां दे दूंगा राधा रानी, मुझे ही वोट दे, अरे राधा रानी सड़कें दे दूंगा, बिजली दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, अरे राधा रानी मुझे ही वोट दे दो। तो मतलब सब लोग वो कर, मतलब लुभार है वोटर्स को, वोटर्स कंफ्यूज है कि किस तरफ जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग चुनाव तो इस बार भी है और बहुत मजेदार है। और लास्ट में अटल जी की कविता पढ़ दूं कि, और अटल जी के अंदाज में, कि काल के कपाल पर लिखता हूं मिटा, गीत नहीं गाता, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर के सीने में उगाए नवंग, यही तो गुनगुनाता हूं, गीत नहीं गाता। आडवाणी जी, अच्छा वो है क्या राजनीति में, क्या संन्यास ले लिया, खैर कोई बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। बहुत ही सुंदर, और अब मुझे लगता है बिहार में कावा तो जो देखने वाले हैं वो ये देखें, बिहार में ये कविता मैं सुनाना चाहता हूँ जो मैंने लिखी है कि बिहार में कावा चुकी। देखिए बिहार तो हमारा प्रदेश है, चाहे अच्छा हो बुरा हो जैसा हो, और हम लोगों को मिलकर तरक्की करनी है इसकी, जब इसलिए बिहार पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बिहार के राजनेताओं पे आप क्वेश्चन उठा सकते हैं जी। तो मैंने लिखा है कि बिहार में सब बा, हमनी के परिवार बा, पिता के संस्कार बा, माई के दुलार बा, यही घर दुआर बा, दोस्त अपन हजार बा, गर्लफ्रेंड के प्यार बा, बिहार में सब बा, बुद्ध महावीर के ज्ञान परंपार बा, बाबू वीर कुंवर सिंह जी के ललकार बा, जयप्रकाश दशरथ मान जी के पुकार बा, मनोज संजय पंकज जैसन कलाकार बा, बिहार में सब बा। और लास्ट में शारदा सिन्हा के छठ के गाना बा, खाई में ठेकुआ लिट्टी मखाना बा, IIT IPS IAS के खजाना बा, हमर इतिहास ही हमर फसाना बा, बिहार में सब बा। वाह वाह वाह, बिहार में सब बा, बिहार में नीतीश बा, बिहार में लालू बा, बिहार में चिराग बा, और बिहार में तेजस्वी बा। तो चलिए हम लोग अब आपसे विदा लेते हैं विजेता जी, और मुझे लगता है कि बिहार के जब चुनाव परिणाम आएंगे तब समझ में आएगा कि बिहार का असली नेता कौन बा। जी थैंक यू सो मच, हमसे किसका सरकार बा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्यारी बात कर रहे थे। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा।